हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो गाइस बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर, और ये भी जानेंगे कि क्या 30 मिनट के अंदर में न्यूज़पेपर को समाप्त किया जा सकता है और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाले जा सकते हैं। तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाने वाला हूँ न्यूज़पेपर में। एक तो कितने फास्ट आप पढ़ सकते हो और न्यूज़पेपर से आप कौन कौन से कीवर्ड निकाल सकते हो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर यू नो वेरी वेल के जर्नल सेंस में लिखा जाता है ताकि देश का हर व्यक्ति पढ़ सके, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, सियाना हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति पढ़ सके। इसीलिए न्यूज़पेपर आता है, उसको जर्नल सेंस में लिखा जाता है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे गाइस। आज है 4 अगस्त, ठीक है ना, और दिल्ली एडिशन है, टोटल 22 पेज है, ठीक है ना। द हिंदू न्यूज़पेपर है, अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, न्यूज़पेपर नहीं मंगवाते हो तो मंगवाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले जो आज का जो बिग न्यूज़ है वो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है जो लैपटॉप और टैबलेट्स जो आएंगे चाइना से उसके ऊपर इन्होंने कुछ बदलाव करे हैं। तो इसके ऊपर बातचीत कहा जा रहा है कि देखो गाइज, यहाँ पे डेल हो गया, एचपी हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है ना। तो इन सारे कंपनीज का जो प्रोडक्ट जो चाइना में असेंबल हो रहा है, चाइना में बन रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे तो उस पर ड्यूटी जो है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो हर तरीके के सामान पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इम्पोर्ट जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ऑल इन वन और स्मार्ट फैक्टर्स पर्सनल कंप्यूटर रिक्वायर फॉर लाइसेंसिंग फॉर दिस प्रोडक्ट्स टू द brought into the countries and sold in the sold to consumer. देखो गाइज, बेसिकली इस आर्टिकल के कहने का पीछे सेंस ये है और गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो भी चाइना से जो सामान आ रहे थे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं और धड़ल्ले से कोई भी मंगवा रहा था, बेच दे रहा था, तो सरकार ने कहा है कि देखो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और बिना लाइसेंस का तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे देखो चाइना से कितने मिलियन डॉलर का हम लोगों का व्यापार हो रहा था, वहीं पे हांगकांग देख लो, सिंगापुर देख लो, मलेशिया देख लो और ताइवान देख लो। तो यहाँ पे आपको फिगर देखने में बहुत ही अजीबोगरीब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल में देखो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9 लाख ट्रीज को एक्स कर दिया गया है, ठीक है ना, काट दिया गया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। और इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो 72,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारी इसमें बातें कही गई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 400 मेगावाट, ठीक है ना, MVA गैस प्लांट और सोलर सिस्टम बेस्ड वहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है निकोबार में, जो कि बहुत ये आवश्यक भी है, बिकॉज जब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तब तक आप देश के हर कोने में सबको रोजगार नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे FCRA परमिट, देखो गाइस आपके लिए यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और यही आपको गूगल सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। अब आपको अपने आज की वर्ड में लिखना है कि भैया ये है क्या, FCRA है क्या, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात करता है कि जो भी चाइल्ड है उनको कैसे सेव किया जाए, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत किया जाता है FCRA में। अब इसके लिए आप अपना एक नोट्स बनाओ और गूगल सर्च करो ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी है अदर लोगों पे, एवरीडे करेंट अफेयर के नाम पे आप लोग दिन भर जो वीडियो देखते हो, तो उससे आप बच जाओगे। क्योंकि कीवर्ड जब छाटने आ गया और किसको आपको इंपॉर्टेंस देना है ये जब पता चल गया, तो फिर आपके लिए न्यूज़पेपर बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, कल हमने बातचीत किया था आर्टिकल 370 के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि देखो ये जो आर्टिकल 370 है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है या नहीं है। देखो गाइस, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बस इतना कहूँगा कि जब केशवानंदा भारती केस आया, ठीक है ना, और गोलकनाथ केस आया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नए शब्द का इजाद करा और वो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि इंडिया में जो भी चीज़ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ छेड़छाड़ किया है तो उसे हाईकोर्ट के पास पावर है कि उसे नल एंड वॉइड कर दे, यानी कि उसे खारिज करने का उनके पास ये अधिकार है, ठीक है ना। कि कहा गया है कि जो बेसिक एसेंस है हमारे संविधान का उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यू नो वेरी वेल गाइस की पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है आर्टिकल
368 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कि आप संविधान के किसी भी पार्ट में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और यहीं पे आपको मैं बताऊं कि आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 में बहुत सारी बातें हुई थी, और बाद में ये पता चला था कि आर्टिकल 368 कुछ भी अमेंड कर सकता है, कहीं भी अमेंडमेंट कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ छेड़छाड़ करती है तो उसे कोर्ट खारिज कर सकता है। तो यही बात कहा जा रहा है, क्या ये जो आर्टिकल 370 है क्या अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रखती है या नहीं रखती है, ठीक है ना। तो अभी ये सारे मुद्दे तो चल रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातचीत करा है, और कुछ इसमें निकल के आने दो तो फिर इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके ऊपर भी आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि भाई क्यों वाई। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे है कि दिल्ली NCR को हाई अलर्ट जोन पे रखा गया है। यू नो वेरी वेल गाइज कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, उस तरीके का वायलेंस फिर गुरुग्राम में देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला, ठीक है ना। तो ऐसा वहाँ के जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कम्युनल क्लैशेज हो जाए, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एक आपदा आने की संभावना हो सकती है। यूँ कहा जाए तो एक बहुत बड़ी मात्रा में वायलेंस होने की संभावना हो सकती है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि फ्राइडे को उन लोगों का एक नमाज होता है, जो मोहम्मदन भाई बहन है उनके यहाँ फ्राइडे का नमाज होता है, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है कि हर व्यक्ति जाकर के मस्जिद में बैठ करके जो भी मोहम्मदन भाई बहन हैं वो लोग नमाज अदा करते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे कोई वायलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो ये ना हो इसके लिए यहाँ पे ये देखो सब कुछ बंद है, और उसके बाद पुलिस सभी जगह पर तैनात कर दिया गया है, जो कि सही बात है। ऐसी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं न्यूज़ क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे 1000 बुक फॉर द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द शमशीर रिमार्क्स, ठीक है। देखो नेट सर्विस सोसाइटी ने, जो नेट सर्विस सोसाइटी है केरला में, उन्होंने एक प्रेयर के अगेंस्ट में, ठीक है ना, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया है, और वो कह रहे हैं कि ये डिफेंड कर रहा है फेथ को, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसके ऊपर एक हम वीडियो लाएंगे और सब कुछ बात करेंगे कि ये क्या है, नेर सर्विस सोसाइटी क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या इनका डिमांड है, ये हर चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला न्यूज़ आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है, और उसमें ये पाया गया है कि 19 MLA और 10 MPs के ऊपर ऑफेंसेस दर्ज किया गया है कि वो उन्होंने ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करा है। अब जब ऐसे व्यक्ति जो MP है, MLE हैं, जो खुद को VVIP कहते हैं, VIP कहते हैं, और वही लोग अगर इस मोटर व्हीकल एक्ट को नहीं माने, अगर उसको उसके ऊपर सही रूप से काम ना करें, तो फिर तो आम जनता से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने कल आपको बोला था कि राज्यसभा में जो अपोजिशन था वो अब्सेंस हुआ, और 3 बिल को पास कर दिया गया है। तो ये कौन कौन से बिल थे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है, जाकर के देख लेना, आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 370 फिर से है, और ये कहा जा रहा है कि एंटर इंटू बिटवीन टू सोवरेंस, ठीक है ना। तो ये वाला आर्टिकल है, एक बार आप पढ़ना, आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएंगे, कल मैंने आपको बताया है। डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी सारी बातें इसमें किसी पीटी ही हैं, और कुछ नहीं है नया इसमें। यहाँ पे देखो, इंडिया समन्स जर्मन इन्वॉय टू प्रेस, ठीक है ना, अहिरा केस, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, और जो हम बात करने वाले हैं, जो आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा है, ठीक है ना, वो है ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आपको गाइस क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो इंडेंजर हिमालयन जो वल्चर है, ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। कहा जा रहा है कि गिब्स नाम का एक वल्चर है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई है, और ये इंडेंजर कैटेगरी में है। तो देख लो ये किस तरीके का दिखता है, पहली बात तो ये है, और ये असम के स्टेट जू में इसे रखा गया है, क्योंकि ये इंडेंजर है, इसकी समाप्ति होने की कगार पे आ चुका है, ठीक है ना।
और यहाँ पे देखो आयुषियन ने इसको कैटेगराइज किया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नियर थ्रेटेड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ द थ्रेटेड स्पीसीज द हिमालयन वल्चर इज द कॉमन विंटर माइग्रेंट टू इंडिया प्लेन्स एंड रेसिडेंट ऑफ द हायर हिमालयन। देखो गाइस बेसिकली कहने का सेंस ये है इस पूरे आर्टिकल में कि जो ये वल्चर है वो इंडेंजर कैटेगरी में है, ठीक है ना, तो ये इन सारी चीज़ों पे बातचीत किया गया है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके लिए कीवर्ड क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस आर्टिकल को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ये गिप्स वल्चर के बारे में आप गूगल सर्च मारना, फिर आयुषियन का निर्माण कब हुआ है ये पढ़ना, आयुषियन का रेट डेटा बुक क्या है वो पढ़ना, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है ये देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से UPSC ने क्वेश्चन बना रखा है, IUCN से भी क्वेश्चन बना रखा है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यही बातें होती हैं जिसको आपको छांटना होता है, कीवर्ड छांटना होता है, और यही 10-15 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना होता है, गूगल सर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। जो आप सुनते हो ना कि टॉपर से कि हाँ मैं 10 पॉइंट निकालता था या निकालती थी और फिर मैं उसके ऊपर सर्च करती थी, तो यही है गाइस। तो इसके ऊपर जाओ देखो और इसको खोजो और इसके ऊपर जो भी 4-5-10 पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको लिख लेना है। फिर आपने टॉपर्स के मुंह से बहुत बार सुना होगा कि देखो हमारे जो भी नेबर कंट्री हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही पाकिस्तान ने अपना एक साइन किया है USA के साथ, पाकिस्तान ने साइन किया USA के साथ सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब ये सिक्योरिटी पैक्ट क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप यहाँ पे देखो तो CISMOA, ठीक है ना, ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट है US ने साइन किया है कुछ कंट्रीज के साथ, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको एक बार आपको पढ़ लेना है, ये बायोलेटरल रिलेशनशिप है गाइस, तो इसे भी आप लोग देख लेना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज आज इतना ही सारे न्यूज़ थे जो हमने बातचीत कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अब यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये दो आर्टिकल है, अगर टाइम मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, साइंस से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं इस वीडियो में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। Thank you so much, everyone. Jai Hind.